शब्दों के माध्यम से हमारे कवियों के एहसास अनुभव आप तक पहुंच रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि अच्छी शायरी हो रही है। आइए इस माहौल को और खूबसूरत बनाने के लिए सिर्फ एक नाम काफ़ी है, सुनील जोगी। डॉक्टर सुनील जोगी एक ऐसा नाम जिसने आज के एहसास को, आज के नौजवान की सोच अपने शब्दों के माध्यम से, शब्दों के जरिए, अपने एहसास के जरिए आप तक पहुँचा रहे हैं। पूरी दुनिया में हिंदी जगत में एक बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर सुनील जोगी। मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ अपने मेहमान नवाजी के जरिए इस्तकबाल करें सुनील जोगी का, ताकि वो अपने हिसाब से आपको शायरी कविता सुना सकें। गुजारिश कर रहा हूँ डॉक्टर सुनील जोगी से कि वो मैं मेरे स्वागत में आपने जो जमखूर तालियां बजाई उसका मैं बहुत आभारी हूँ। कई लोग बहुत मुस्तैद होकर बैठे हैं, कईयों की तो गोद में जूते चप्पल रखे हैं। ये बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्था है और उन पुलिस कर्मियों का मैं बहुत आभारी हूँ जिन्होंने उधर का कुछ बलबा शांत किया और खुद भी शांत हो गए। वरना मैं तो उत्तर प्रदेश में ये खाकी वर्दी देखे आंखें तरस गई थी महाराज, क्योंकि जब से यहाँ आईजी पांडा ने उतार लिया, मैं तब से जब भी किसी खाकी वर्दी पुलिस वाले को देखता हूँ मैं समझ जाता हूँ ये खाकी वर्दी में गोपियां घूम रही हैं। भाई बहुत अच्छा है, लेकिन आपने अच्छा काम किया। क्या व्यंग है साहब, वाह वाह वाह। एक साहब ने मुझे देखकर सीटी बजाई, हो सकता है काफी पहले वो बजाना चाह रहे थे लेकिन निकली नहीं। मैं आपके सौंदर्य बोध को प्रणाम करता हूँ। लोग काफी संख्या में हैं और ऐसे बैठे हैं जैसे बैठने ही आए। चलिए मैं आपसे जुड़ता हूँ और चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। बहुत सारी प्रेम मोहब्बत की बात हुई, सुमन दुबे बहुत बढ़िया सुना के गई और हमारे जिया साहब, मैं तो हास्य व्यंग का शायर हूँ, अगर प्रेम को शब्द दूं तो चार पंक्तियों आप तक पहुंचाता हूँ। हास्य व्यंग का शायर प्रेम को क्या शब्द देगा, कि इश्क में इतने कुएं हैं मुझे मालूम न था, इतने ही काफी है। बात कुएं से शुरू हो रही है कि इश्क में इतने कुएं हैं मुझे मालूम न था, तेरी उल्फत में धुएं हैं मुझे मालूम न था, तेरे कांधे पे मैं सर रख के शाम बैठा था। और एक पंक्ति में हास्य आया हो तो झूम जाएं आगे से पीछे तक। इश्क में इतने कुएं हैं मुझे मालूम न था, तेरी उल्फत में धुएं हैं मुझे मालूम न था, तेरे कांधे पे मैं सर रख के शाम बैठा था, तेरी जुल्फों में जुएं हैं मुझे मालूम न था। कहने भाई सुनील, वाह 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 भाई, बहुत अच्छा। ये सर्वे संस्थाना बैठा है, वाह एक बार जुए और डाल। बहुत बधाई देता हूँ भाई वर्मा जी हमारे इधर बैठे हैं और महेंद्र भाई साहब, बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन मुशायरा आपने किया है और बड़े नाम यहाँ बैठे हैं, वसीम बरेलवी साहब, राहत इंदौरी जी और इधर कुमार विश्वास, आसीन आसीन चैनल और सर्वेश भाई। मैं दिल्ली से आया हूँ आपके बीच राजनीति की नगरी से, चार पंक्तियाँ राजनीति के नाम पढ़ता हूँ। पिछले दिनों यहाँ बहन जी की सरकार थी, आप सब जानते हैं, उन्हें अटल जी ने अपना दिल्ली से समर्थन दिया था, उस समर्थन पर मैंने चार पंक्तियों में एक टिप्पणी की थी, वो टिप्पणी आप तक पहुंचाता हूं। राजनीति से हास्य निकालता हूं, आपकी झोली में डालता हूं और पहुंचे बात तो आपका समर्थन में। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है। कि मैंने कहा अटल जी आपने ये सोचा कैसे, कमल पे हाथी की सवारी होनी चाहिए। कि मैंने कहा अटल जी आपने ये सोचा कैसे, कमल पे हाथी की सवारी होनी चाहिए, मनुवादियों ने बड़ी देर में विचार किया, भाजपा और बसपा में यारी होनी चाहिए। अटल जी बोले ये तो देश की परंपरा है, नर के मुकाबले में नारी होनी चाहिए।
और अंतिम पंक्ति में तर्क लगे तो एक एक हाथ समर्थन करे। क्या अटल जी बोले, ये तो देश की परंपरा है, नर के मुकाबले में नारी होनी चाहिए, देश की कमान को कुंवारा है संभाल रहा, उत्तर प्रदेश में कुंवारी होनी चाहिए। क्या कहने मैं समझ गया, ये सब बसपा वाले हैं। वर्मा जी बहुत खामोश बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो, आप निश्चिंत रहें। और अब तो साहब ना कुंवारा है ना कुंवारी है, एक सरदार जी की बारी है। नई सरकार आई, मैंने टिप्पणी की कि संसद में बागी मंत्रियों पर हंगामा हो रहा है, लोकतंत्र का ड्रामा हो रहा है, आपस में चल रहे हैं जोरदार मतभेद, और उधर मनमोहन सिंह सोनिया जी से पूछ रहे हैं कि मैडम पगड़ी नीली बांधो या सफेद। क्या कहने, वाह वाह वाह। ये राजनीति की विडंबना है, राजनीति एक व्यापार बन चुकी है। कैसे कैसे लोग आते हैं, कैसे प्रचार करते हैं, मैं प्रचार का छंद एक आपको सुनाता हूं कि सपा वाला बोला कि मुलायम जी को लाया हूं मैं, कैसे प्रचार हुए होंगे निकाय चुनाव कि सपा वाले बोले कि मुलायम जी को लाया हूं मैं, बसपा में माया सी दीवानी देख लीजिए, माल बिक रहा है। खामोशी से मत सुनो, देखो साहब मुझे खामोशी में पढ़ने की आदत नहीं है। पिछले दिनों मैं मुंबई गया साहब, मैं कविताएं सुना रहा हूं, एक आदमी बिल्कुल हंस नहीं रहा है, मुस्कुरा नहीं रहा है बिल्कुल भाई साहब की तरह। मैंने कहा भाई साहब मैं हंसाने की कोशिश कर रहा हूं, आप हंसी नहीं रहे। बोले खुद क्यों हंसू, बड़ा आदमी हूं, अमीर हूं, आदमी रखे हुए। फिर मैंने कहा आप ताली भी नहीं बजा रहे। बोले खुद क्यों बजाऊं, अमीर हूं, आदमी रखे हुए। थोड़े दिन बाद उसकी शादी हुई, बस मैं समझता हूं आप लोग इतने अमीर ना हो जाएं, बात पहुंचे तो आपका समर्थन आना चाहिए कि सपा वाला बोला कि मुलायम जी को लाया हूं मैं, बसपा में माया सी दीवानी देख लीजिए, और जनता दल बोला कि मैं दल दल में फंसा हूं, लालू बीपीसी कोई निशानी देख लीजिए, कांग्रेसी बोला कि विदेशी माल लाया हूं। कांग्रेसी बोला कि विदेशी माल लाया हूं जी, एक बार इटली की रानी देख लीजिए, कांग्रेसी बोला कि विदेशी माल लाया हूं जी, एक बार इटली की रानी देख लीजिए, अब भाजपाई बोला अडवाणी देख लीजिए, या बार बार राजा हिंदुस्तानी देख लीजिए। राजनीतिक पार्टियों के चुनाव चिन्ह से एक क्षण सुनाता हूं कि मैंने एक बालिका से हाथ मिलाने को कहा, वो बोली कि भाग जा तू कांग्रेस आई, वाह, और शान से गुमान से तू साइकिल से घूमता है, ऐसा लगता है तू सपा का अनुयायी। मैंने कहा फूल देके प्रिय मत भूल करो, राबड़ी बनाने की कसम तुझे खाई है। और एक पंक्ति एक पार्टी को समर्पित करता हूं, उसके चरित्र को आप समझ जाएं तो बताएं वो इशारा कि मैंने कहा फूल देके प्रिय मत भूल करो, राबड़ी बनाने की कसम तुझे खाई है, फूल देखते ही वो कुंवारी बोली ब्रह्मचारी शादी तो करेगा नहीं तू तो भाजपाई। उसके बाद से जब भी कोई कुंवारा आदमी मुझे दिखाई देता है मैं समझ जाता हूँ इसकी उस हो नहीं रही है और या फिर ये भाजपाई है। राजनीति में कैसे कैसे लोग आ गए साहब, सब लोग इतने पढ़े लिखे नहीं आते, लोग वर्मा जी की तरह मुझे तो बताया गया बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन कैसे कैसे लोग राजनीति में आने लगे। मैं तो दिल्ली रहता हूं, संसद की स्थितियां देखता हूं, शुद्ध व्यंग आप तक पहुंचाता हूं। कलीम भाई आपको समर्पित करता हूं कि कोई यहां डाकू लिए चाकू है लड़ाकू, कोई जीत के चुनाव ना हो जैसे तन जाते हैं, धूल में खेले ना कभी भूल से स्कूल गए, बिना पढ़े लिखे शिक्षा मंत्री बन जाते हैं। मैंने कहा पिए बिना पिए रखते हैं आप, पिए बिना कैसे फाइलों को निपटाते हैं,
और एक पंक्ति का व्यंग जीवन की सर्वश्रेष्ठ पंक्ति पढ़ता हूं आप सबके सामने। जो कविता समझने वाले लोग हैं वो एक पंक्ति के व्यंग को पहचाने कि मैंने कहा भी ये बिना पिए रखते हैं आप, पिए बिना कैसे फाइलों को निपटाते हैं। वे बोले कि काम हम अंगूठे से चलाते हैं जी, पहले चूसते थे अब लगाते और दिखाते हैं। मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल बिल्कुल, कई लोग दोबारा पढ़ने के लिए कह रहे हैं, मैं समझ गया ये सब सप्लीमेंट्री से पास हुए होंगे। मैं एक गीत पढ़ देता हूँ। हाँ भाई, भाई, भाई। मैं एक गीत थोड़ी देश और दुनिया में क्या क्या घटनाएं घटी उन घटनाओं का एक चित्रहार आपको दिखाना चाहता हूँ। स्वागत। गीत के साथ आप सबकी तालियों की ताल होगी तो आनंद आएगा। दो तीन तालियों के लिए बहुत धन्यवाद। मैं गीत पढ़ता हूं और भरपूर आनंद ले आप। कि देखो कुर्सी की बलिहारी ओ जमाना बदला जाए। ऐसे मत सुनना जैसे संतोषी माता की कथा हो। कि देखो कुर्सी की बलिहारी ओ जमाना बदला जाए, कर दी खटिया खड़ी हमारी ओ जमाना बदला जाए। जब तक सारे नहीं बजाएंगे मैं यही लाइन दोहराता रहूंगा। कि देखो कुर्सी की बलिहारी ओ जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलिहारी ओ जमाना बदला जाए। हुआ फील गुड फेल अटल जी हो गए पानी पानी, हुआ फील गुड फेल अटल जी हो गए पानी पानी। भारत उदय करत ले डूबा कहते हैं अडवानी, इटली वाली पड़ गई भारी ओ जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलिहारी ओ जमाना बदला जाए। पहले अमरीका रहता था सबसे ऐठा ऐठा, और फिर एक बार हाथ उठे कि पहले अमरीका रहता था सबसे ऐठा ऐठा, लेकिन उसकी छाती पर जब से ला दिल लद बैठा, करता फिरता सबसे यारी ओ जमाना भाई जाता। वाह 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 वाह, क्या कहने जिंदगी का। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत प्रसन्नता हुई मुझे इन्होंने माला पहनाई। मुझे तो याद आता है कि इसी तरह अगर पुरुष पुरुष को वरमाला पहनाएंगे तो परिवार नियोजन के सब मसले हल हो जाएंगे। कि पहले अमरीका रहता था सबसे ऐठा ऐठा, लेकिन उसकी छाती पर जब से ला दिल लद बैठा, करता फिरता सबसे यारी ओ जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलिहारी ओ जमाना। जो लोग हाथ बांध के बैठे हैं अभी भी, उनके लिए कुछ पंक्तियां पढ़ता कि जो नरताली नहीं पीटते उनको पीटे नारी, जो नरताली नहीं पीटते उनको पीटे नारी। जो ज्यादा ताली पीटेगा हम होंगे आभारी, पीतो शर्मा और तिवारी ओ जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलियारी ओ जमाना बदला जाए। सब कवियों की इच्छा श्रोता ताली खूब बजाए, और लिफाफा दिए बिना संयोजक खिसक न जाए। वाह वाह वाह। ना ये मामला, वर्मा जी बहुत कोने में बैठे हो, इधर आ जाओ। सब कवियों की इच्छा श्रोता ताली खूब बजाएं, और जहां ऐसा हो जाता है वहां इस कुमार विश्वास की हालत क्या होती है। कि सब कवियों की इच्छा श्रोता ताली खूब बजाएं, और लिफाफा दिए बिना संयोजक खिसक न जाए। कवि से कर दे हमें भिखारी ओ जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलिहारी ओ जमाना बदला। वाह वाह वाह।
कई लोग बीच बीच में उठ रहे थे साहब, कभी इधर से कभी उधर से। मैं ये पंक्तियां पढ़ता हूं और दावे के साथ कहता हूं कि किसी की उठने की हिम्मत हो ये सुनने के बाद, तो मैं उसकी हिम्मत देखना चाहता हूं और अपने कहने के सलीके पर आपकी दांत देखना चाहता हूं कि मेरी कविता सुने बिना जो बीच में उठ कर जाए, कि मेरी कविता सुने बिना जो बीच में उठ कर बैठ जा बेटा, पिताजी खतरे में पड़ जाएंगे, कि मेरी कविता सुने बिना जो बीच में उठ कर जाए, राम करे वो अपने घर में घुसा पड़ोसी पाए। कोई जाना चाह रहा है भाई साहब? तो कह रहे हैं अपन सवेरे तक नहीं जाएंगे। कि राम करे वो अपने घर में घुसा पड़ोसी पाए, डूबे उनकी लुटिया थारी, ओ जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलियारी, ओ जमाना बदला जाए, पासवान का भ्रम टूटा और वापस आ गए बूटा। बिहार की स्थिति। कि पासवान का भ्रम टूटा और वापस आ गए बूटा, उखड़ गया अब की बिहार में लालू जी का खूटा, रबड़ी बना रही तरकारी, ओ जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी भी बलियारी, ओ जमाना बदला जाए। वाह 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 वाह। लालू बोले सीएम रहकर नौ नौ बच्चे जाए, कि लालू बोले सीएम रहकर नौ नौ बच्चे जाए, अटल बिहारी पीएम होकर बाप नहीं बन पाए। और अगली पंक्ति दक्षिण की ओर। अटल बिहारी पीएम होकर बाप नहीं बन पाए, अम्मा बन गई एक कुंवारी, ओ जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलियारी, ओ जमाना। कुछ दोबारा पढ़ने से यार ज्ञात थोड़ी हो जाएगा। लालू बोले सीएम रहकर नौ नौ बच्चे जाए, अटल बिहारी पीएम होकर बाप नहीं बन पाए, अम्मा बन गई एक कुंवारी, ओ जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलियारी, ओ जमाना बदला जाए, अपनी बीबी नहीं सुहाती दूजी पर ललचाए। सर्वेश अस्थाना को समर्पित कुछ पंक्तियां। ये इसकी किस्मत है, ब्याह के समय भी नहीं खुला था। किसने मारना है? नहीं भाई, ये अजीब प्रेम है। ये बोतल बहुत काम आती है जिंदगी में साहब, ये बोतल बहुत काम आती है। बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही उसके मुंह में दूध की बोतल, स्कूल जाने लगता है तो पानी की बोतल लेके जाता है लटका के, और बड़ा होता है तो दोस्त लोग बियर की बोतल पकड़ा देते हैं, और थोड़ा बड़ा होता है तो दोस्त विस्की की बोतल पकड़ा देते हैं, विस्की ज्यादा हो जाए तो ग्लूकोज की बोतल बोतल है, और ग्लूकोज की बोतल जब काम करना बंद नहीं करती तो खून की बोतल चढ़ानी पड़ती है, और जब खून की बोतल भी बेकार हो जाती है तो अंत में गंगा जल की बोतल। ये बोतल पे बोतल मांगा। मैं जोड़ता हूं कि अपनी बीबी नहीं सुहाती दूजी पर ललचाए, अगर मोनिका मिल जाए तो सब क्लिंटन बन जाए, लेकिन मिलती नहीं बेचारी, ओ जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलियारी, ओ जमाना बदला जाए। अंतिम पंक्तियां मैं आप सबके लिए पढ़ता हूं। जिस मन से आपने मुशायरा सुना है, कवि सम्मेलन सुना है, कि लंदन देखा पेरिस देखा और देखा अमरीका, लंदन देखा पेरिस देखा और देखा अमरीका, मगर ये महमूदाबाद के आगे सब कुछ लागा फीका, अपने लिए बजा दो तारी, ओ जमाना बदला जाए, पढ़ेंगे आप।
आप बैठ जाइए। डॉक्टर सुनील जोगी से दरखास्त है कि वो एक रचना हो। बहुत बहुत आभार, आपने बहुत मन से सुना और बहुत प्यार मोहब्बत की बात हो गई। इससे पहले मैं सोचता हूँ राजनीति छोड़ता हूँ और थोड़ी देर मोहब्बत पे आता हूँ। एक भाई ने इधर यूं करके सलमान खान स्टाइल में अपनी शर्ट फेंकी थी। हाँ आए आगे, लोग सुझाव देते हैं आदमी को। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं। पिछले दिनों में बाबा रामदेव जी के यहाँ गया, एक कवि सम्मेलन किया था उन्होंने, वहां मल्लिका शेरावत भी आई थी। मैं सोचता रहा क्या कहा होगा मल्लिका शेरावत ने बाबा रामदेव से। मल्लिका जी का नाम सुनकर जो बुजुर्गों के चेहरों पर रौनक आई है, मैं बताता हूं क्या कहा होगा। व्यंग आप तक पहुंचा। मल्लिका जी ने कहा होगा, बाबा आपने लुंगी लगाई पूरे देश में प्रसिद्धि पाई, गांधी जी ने लंगोटी लगाई पूरे संसार में प्रसिद्धि पाई, बाबा मैं पूरे ब्रह्मांड में नाम कमाना चाहती हूं। लोग सुझाव देते हैं कि आदमी को प्रेम करना चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए, और ऐसे ऐसे लोग सुझाव देते हैं जिनकी खुद की शादी भी नहीं हुई होती है, और उनकी तो छोड़ो उनके बाप की भी शादी नहीं है, वो कहते हैं। मैं तो कहता हूं प्रेम एक ऐसा रोग है जिसमें न एलोपैथी काम आती है, न होम्योपैथी काम आती है, बस सिंपैथी काम आती है। ऐसे लोगों के लिए मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं विरोधाभास की, जो उल्टी सीधी सलाह देते हैं। कलेम से प्रेम से हाथ से निकालता हूं, विषय बिल्कुल टर्न करता हूं। कि अंधे हमें शहर का रास्ता बता रहे हैं, क्या कहने, अंधे हमें शहर का रास्ता बता रहे हैं, लंगड़े हैं जो वो हमको चलना सिखा रहे हैं, क्या कहने, वो हमको मोहब्बत की पोथी पढ़ा रहे हैं। और एक पंक्ति में भरपूर हास्य, हाथ फिर खुले, कि वो हमको मोहब्बत की पोथी पढ़ा रहे हैं, जो अपनी प्रेमिका से राखी बंधा रहे हैं, जो अपनी प्रेम, भाई क्या कहने लगता, वाह वाह वाह। आदमी प्रेम करता है बड़ी मुश्किल होती है, वाह क्या मुश्किल होती है। चार पंक्तियां देखें आप, मुश्किल क्या होती है प्रेम में। कि है आंसुओं में डूबी मेरे प्यार की कहानी, भीतर से है बुढ़ापा बाहर से है जवानी, नजरों से तेरी नजरें कैसे मिलाए जानी। और एक पंक्ति, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है। कि नजरों से तेरी नजरें कैसे मिलाए जानी, तेरी दाई आंख कानी मेरी बाई आंख गानी, तेरी दाई आंख। मैंने कुमार विश्वास से पूछा, मैंने कहा भाई बड़ा कवि बनना चाहता हूं क्या करूं। बोले बड़े कवियों की किताबें पढ़ो। मैं बच्चन जी की मधुशाला लाया, पढ़नी शुरू की, बच्चन जी चल बसे। काका आरसी की किताबें लाया, पढ़नी शुरू की, काका जी भी चले गए। कल शाम को मैं कुमार विश्वास के घर गया, मैंने कहा कुमार भाई आपकी कोई पुस्तक पढ़ना चाहता हूं। ये बहुत तेज आदमी है, अंदर गया और पत्नी की उठा लाया, बोला इसे पढ़ो, वो भी कविताएं लिखती है। मैं समझ गया कि अगला पत्नी से कितना प्रेम करता है। मैं मोबाइल पे बात कर रहा हूं, बोला किससे बात कर रहे हो, मैंने कहा बीबी से। बोले आधे घंटे हो गया बीबी से बात मोबाइल पर, मैंने कहा मेरी थोड़ी है। ये प्रेम से हास्य निकालने की स्थिति है। वो गाना आता है, रात भाई तेरी आंखें झुकी झुकी, तेरा चेहरा खिला खिला, मगर जब चेहरे पर हाथ फिराया तो 250 ग्राम फेयर एंड लवली मिला। ये प्रेम है। प्रेम में मुश्किलें क्या क्या है, मैं एक गीत पढ़ता हूं, और अगर आपको लगे कि ऐसे संबोधन ऐसे अंतर आपने प्रेम में कभी सुने नहीं, तो एक एक संबोधन एक एक अंतर पर आपके ठाके आपकी मस्ती आपकी तालियां चाहता हूं। प्रेम से हास्य निकालता हूं और वो गीत पढ़ता हूं।
कि मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। जिया साहब प्रेम में क्या मुश्किल है मैं बताता हूँ हास्य के माध्यम से, कि मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। तुम ए में फर्स्ट डिवीजन हो, मैं हुआ मैट्रिक खेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार। नाम लेते ही बाबा उठ खड़े हुए, इतना भी मुश्किल नहीं है बाबा। लेकिन जाइए पता नहीं आदमी कब बीस से अचानक, बीस से कोई भी उठता है तो दुख होता है, कभी को अच्छा नहीं। मैं अंतर बताता कि तुम फौजी अफसर की बेटी, मैं तो किसान का बेटा हूँ। तुम रबड़ी खीर मलाई हो, मैं तो सत्तू सपरेटा हूँ। तुम एसी घर में रहती हो, मैं पेड़ के नीचे लेटा हूँ। तुम नई मारुति लगती हो, मैं स्कूटर लम्ब्रेटा हूँ। इस तरह अगर हम छुप छुप कर आपस में प्यार बढ़ाएंगे, तो एक रोज तेरे डैडी अमरीशपुरी बन जाएंगे। सब हड्डी पसली तोड़ मुझे भिजवा देंगे वो जेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। तुम अरब देश की घोड़ी हो, मैं हूँ गधे की चाल प्रिय। तुम दिवाली का बोनस हो, मैं भूखों की हड़ताल प्रिय। तुम हीरे जड़ी तस्तरी हो, मैं अल्मुनियम का थाल प्रिय। तुम चिकन सूप बिरयानी हो, मैं कंकड़ वाली दाल प्रिय। तुम हिरण चौकड़ी भरती हो, मैं हूँ कछुए की चाल प्रिय। तुम चंदन वन की लकड़ी हो, मैं हूँ बबूल की छाल प्रिय। मैं पके आम सा लटका हूँ, मत मारो मुझे गुलेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। ये पंक्तियां आप याद करने और घर में इस्तेमाल करें, कभी झगड़ा नहीं होगा। कि मैं शनि देव जैसा कुरूप, तुम कोमल कंचन काया हो। मैं तन से मन से कांसी हूँ, तुम महाचंचला माया हो। तुम निर्मल पावन गंगा हो, मैं जलता हुआ पतंगा हूँ। तुम राजघाट का शांति मार्च, मैं हिंदू मुस्लिम दंगा हूँ। तुम हो पूनम का ताज महल, मैं काली गुफा अजंता की। तुम हो वरदान विधाता का, मैं गलती हूँ भगवंता की। तुम जट विमान की शोभा हो, मैं बस की ठेलम पेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। तुम नई विदेशी मिक्सी हो, मैं पत्थर का सिलबट्टा हूँ। तुम एके 47 जैसी, मैं तो एक देसी कट्टा हूँ। तुम चतुर राबड़ी देवी सी, मैं भोला भाला लालू हूँ। तुम मुक्त शेरनी जंगल की, मैं चिड़िया घर का भालू हूँ। तुम व्यस्त सोनिया दादी सी, मैं बीपी सिंह सा खाली हूँ। तुम हसी माधुरी दीक्षित की, मैं पुलिस मैन की गाली हूँ। गर जेल मुझे हो जाए, तो दिलवा देना तुम बेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है। कि मैं ढाबे के ढांचे जैसा, तुम पांच सितारा होटल हो। मैं महुए का देसी ठर्रा, तुम रेड लेवल की बोतल हो। तुम चित्रहार का मधुर गीत, मैं कृषि दर्शन की झाड़ी हूँ। तुम विश्व सुंदरी सी महान, मैं ठिलिया छाप कबाड़ी हूँ। तुम सोनी का मोबाइल हो, मैं टेलीफोन वाला चोंगा। तुम मछली मानसरोवर की, मैं सागर तट का हूँ घोंघा। दस मंजिल से गिर जाऊंगा, मत आगे मुझे धकेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। कुछ राजनीति से अंतर सुनाता हूँ। कि तुम जयप्रदा की साड़ी हो, मैं शेखर वाली दाढ़ी हूँ। तुम सुषमा जैसी विदुषी हो, मैं लल्लू लाल नाड़ी हूँ। तुम जया जेटली सी कोमल, मैं सिंह मुलायम सा कठोर। तुम हेमा मालिनी सी सुंदर, मैं बंगारू की तरह बोर। तुम सत्ता की महारानी हो, मैं विपक्ष की लाचारी हूँ।
और अंतिम पंक्ति पर आगे से पीछे तक भरपूर समर्थन चाहता हूं कि तुम सत्ता की महारानी हो, मैं विपक्ष की लाचारी हूं, तुम हो ममता जय ललिता सी, मैं क्वारा अटल बिहारी हूं, तुम हो ममता जय ललिता से, मैं क्वारा अटल बिहारी हूँ, तुम संसद की सुंदरता हो, मैं हूँ तियाड़ की जेल, प्रिय मुश्किल है अपना मेल, प्रिय ये प्यार नहीं।